नमस्कार, मी अनंत कौसाले। तर आजच्या लेक्चर मध्ये सर आपण कॅल्क्युलस या ब्रांच मधला सर, कॅल्क्युलस ब्रांच ऑफ मॅथेमॅटिक्स सर, कॅल्क्युलस एका प्रकारचा गणिताची ब्रांच असते। ओके, बा समज मी आती आती सर तू बोला जी कॅल्क्युलस इज ब्रांच का सर, क्वेश्चन हमको इधर यहाँ पे हमने बोर्ड पे लिखा है, हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, कैलकुलस बहुत कठिन ब्रांच है मैथमेटिक्स वाली सर। आइज़ैक न्यूटन ने महान शास्त्रज्ञ सर ही ब्रांच शोधलेली आहे। त्याच ब्रांच मधला सर डिफरेंशिएशन चा क्वेश्चन आहे सर। व्हाट डिफरेंशिएशन सर? डिफरेंशिएशन म्हणजे टाइम हा बाय मध्ये असतो, म्हणजे टाइम हा भागाकारामध्ये असतो, दे कॉल्ड एज काय सर, डिफरेंशिएशन। आपण त्याला कशाच्या माध्यमामध्ये किंवा कशाच्या स्वरूपामध्ये लिहितो, तर त्याच उत्तर आहे सर डी बाय डीएक्स च्या माध्यमानुसार किंवा या स्वरूपात सर आपण याला लिहितो। कशाला सर? जी डिफरेंशिएशन ला सर। इथं टाइम हा कशामध्ये सर, टाइम इथं बाय मध्ये दिलेला असतो, दे कॉल्ड एज अ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को मराठी में क्या बोलती बुआ जी? डिफरेंशिएशन को हमारे ग्रामीण भाग के लैंग्वेज में बोलते तोड़ना। क्या बात है बुआ जी? तोड़ना ही ना डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ना, क्लियर ना? क्लियर सर। हम पढ़ रहे मैथमेटिक बुआ जी, तो हम क्या बोलेंगे इसको? हम इसको बोलेंगे डी बाय डी एक्स इज अ डिफरेंशिएशन, टाइम इज अ बाय, क्लियर ना? क्लियर सर। तो हमको क्वेश्चन क्या पूछा है? एफ इज इक्वल टू 7 - 2x + 3x² t = 5 sec फाइंड डी बाय डी एक्स, क्लियर ना? क्लियर सर। हमको डी बाय डी एक्स फाइंड करना है, यानी कि हमको क्या निकालना है बुआ जी? हमको डी बाय डी एक्स निकालना है, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में निकालना है, क्लियर ना? क्लियर सर। टाइम कितना दिया हमको? टाइम हमको दिया है बुआ जी कितना? 5, क्लियर ना? 5 सेकंड, क्लियर ना? क्लियर सर। बबुआ जी हम बोझ क्या लिखेंगे आप? एक्स इज इक्वल टू कितने लिखेंगे? एक्स इज इक्वल टू हम लिखेंगे सर 5। बात समझ में आ रही सर जी? आ रही। चलो सॉल्व करिए हमें क्वेश्चन, क्लियर है ना? क्लियर। चलो यहाँ पे लिखे हम एफ इज इक्वल, हमको दिया है 7 - 2x + 3x² हमको इतना दिया है हमारे क्वेश्चन में, क्लियर? ओके जी, ओके। हमको निकालना है डी एक्स इज इक्वल टू 7 - 2x + 3x² हमने पढ़ा था 11th क्लास 12th क्लास में। क्या पढ़ा था सर जी? यहाँ पे डिफरेंशिएशन जब होता है तब यहाँ पे -1 होता है। क्या होता है सर जी? -1 होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है? तोड़ना है, क्लियर है ना? क्लियर सर। तो यहाँ पे माइनस इसमें हो गया 1, यहाँ पे क्या आ गया सर? यहाँ पे हम लिख देयरफॉर, ओके, देयरफॉर यहाँ पे 0 - 2 + 3, ओके, क्लियर है ना? यहाँ पे 1 माइनस हो गया, क्लियर है ना? हो गया माइनस सर। कितना गया? ओनली एक्स आ गया, हमको एक्स कितना दिया है? 5 दिया है। तो यहाँ पे लिखे देयरफॉर 0 - 2 + 3 × 5। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं सर जी? हमने क्या लिखा बोर्ड पे? तो मैथमेटिक ही बुआ जी, आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छी तरह से। अरे हाँ या ना? हाँ सर। देयरफॉर 0 - 2 + ओके 3 × 5 कितने सर? 15 सर, क्लियर है ना? क्लियर सर। 15 = 70 m/s दे कॉल्ड एज आंसर सर। कितना आ गया सर हमारा डी बाई डी एक्स? डी बाई डी एक्स आ गया हमारा वो 17 m/s 17 m/s, ओके, क्लियर ना? क्लियर सर द आंसर बुआ जी। क्या है आंसर? 17 m/s 17 m/s, क्लियर ना? क्लियर सर। छापो, चलो आ गया समझ नहीं? ओके चलो, ठोको राइट, लाइट हो दो। ओके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।